not that different. Today we are going to talk about a story by Ruskin Bond, that is The Woman on Platform 8. फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इस स्टोरी में लव एंड अफेक्शन दिखाया गया है, जिसमें हम ये देखते हैं कि बिना कोई रिश्तेदारी, बिना कोई किसी मतलब कोई भी रिश्ता नहीं होता है दो पर्सन के बीच में, लेकिन उन दोनों के बीच में कितना लव और अफेक्शन क्रिएट हो जाता है ये हम देखेंगे. एक स्कूल बॉय की ये कहानी है जो फर्स्ट पर्सन नैरेटेड है. खुद अरुण नाम का एक जो लड़का है, स्कूल बॉय है, वो अपनी स्टोरी यहाँ पे बता रहा है. तो सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उसी के हैं कि अरुण को कैसा लगता है लोगों से जब वो मिलता है, तो उसको वो लोग कैसे लगते हैं, और वो अपनी कहानी खुद बताता है किस तरीके से वो एक स्ट्रेंजर या मिस्टीरियस वुमन से मिलता है, और उसमें उसको क्या अच्छा लगता है या फिर वो इस स्टोरी में क्या डिसलाइक करता है. तो हम इस कहानी को देखेंगे. इसमें जैसा कि आप देखते हो कि इसमें कैरेक्टर जो है एक अरुण है, जो 12 साल का बच्चा है, जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, और जब ये कहानी जब वो जिस टाइम की वो कहानी बता रहा है, जब उसे अम्बाला के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे एक वुमन मिलती है, उस टाइम पे वो बोर्डिंग स्कूल में 2रा साल होता है उसका. स्ट्रेंजर एक मिस्टीरियस वुमन है जो उसे मिलती है, जिसे वो पहले नहीं जानता है. सतीश जो है वो अरुण का क्लास फेलो है, और सतीश की मदर है, बहुत इंटरेस्टिंग लेडी है. वो ऐसे ही रिएक्ट करती है जैसे कि एक मदर को करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें एक टिपिकल मदर जैसी उसमें नज़र आएंगी आपको. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं स्टोरी. तो इस स्टोरी में प्लेटफॉर्म नंबर 8 अम्बाला स्टेशन का उसकी बात की गई है, और इसका नरेटर अरुण जो है वो 12 साल का जो बच्चा है, एक दिन वो वेट कर रहा था ट्रेन के लिए. तो उस स्टेशन पे क्या होता है कि वो सेकंड ईयर है उसका बोर्डिंग स्कूल में, और वो अपने स्कूल में वापस जा रहा है छुट्टियों के बाद. अब वो अकेला क्यों है? क्योंकि उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो इतना बड़ा हो गया है कि उसे अकेले ट्रैवल कर लेना चाहिए. अब वहाँ से वो अपने घर से अम्बाला तक तो आ गया, लेकिन अम्बाला स्टेशन से उसकी जो ट्रेन है वो मिडनाइट की है. मतलब उसे अब अम्बाला के जो प्लेटफॉर्म नंबर 8 है उस पर वेट करना है मिडनाइट तक. उसकी ट्रेन मिडनाइट को आएगी. अब यहाँ पे क्या होता है कि उसको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, और एज़ यूज़ुअल जो प्लेटफॉर्म पे हसल बसल रहता है वो अपना टाइम पास कर रहा है इधर उधर देख कर. उसके बाद में वो बैठ जाता है प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ पे बुक्स वगैरह पढ़ता है. कुछ स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको बिस्किट्स वगैरह डालता है. इस तरीके से वो टाइम पास करता हुआ लास्ट में थक जाता है, कि उसको मतलब हम भी होते हैं कि एक टाइम पे वेट करते करते थक जाते हैं, तो उसको भी काफ़ी उबाऊ लगता है ये टाइम. जैसे ही वो बैठता है उसको पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, एक औरत की, बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ होती है. वो 30 साल या उससे लगभग की उम्र की होगी. उसका जो फेस था, डार्क आइज थी, पेल फेस था, और एकदम वाइट साड़ी पहने हुए, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी उसने ज्वेलरी नहीं पहन रखी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ डिग्निटी थी. अब वो अरुण से पूछती है, क्या तुम अकेले यहाँ पर आए हो और ट्रेन का वेट कर रहे हो? तो अरुण जवाब देता है, हाँ, मिडनाइट में आएगी मेरी ट्रेन. तो उसके क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल थे. वो बाद में कहती है अरुण से कि तुम रिफ्रेशमेंट रूम में मेरे साथ चलो और हम कुछ खा लेते हैं. पहले तो अरुण को लगता है कि उसे रिफ्यूज़ कर देना चाहिए. कुछ कुछ उसे शाइनेस फील हो रही होती है, क्योंकि वो पहली बार उससे मिलता है, उस लेडी से, तो उसको नहीं जानता है वो इसलिए. लेकिन बाद में वो इतनी काइंड होती है, उसका हर एक का मतलब बोलने का तरीका और उसका प्रेजेंट होने का तरीका उसको बहुत इम्प्रेसिव लगता है. तो एक कुली को कहकर कि उसकी सूटकेस का ख्याल रखे, वो अरुण को ले जाती है उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग रूम में. वहाँ पर जाकर वो चाय, समोसा, जलेबी, वो सब कुछ ऑर्डर करती है, और यहाँ पे अरुण बहुत खुश हो जाता है. वो उससे बातें करने में भी इंटरेस्ट लेने लग जाता है, और उससे फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, क्योंकि वैसे भी उसको ये सब कुछ खाने में भी इंटरेस्ट आता है, और वैसे भी वो बोर हो रहा था. अब क्या होता है
कि जो वो जो लेडी होती है वो भी उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही होती है। वो कुछ कम बोलती है खुद तो, लेकिन अरुण की बातें बहुत ध्यान से सुन रही होती है। अब उसको मतलब देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो उसको जब अरुण उसे बातें कर रहा था तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था उसको देखकर, वो किस तरीके से खा रहा है, बातें कर रहा है, लाइक दैट। अब वो वहाँ से रिफ्रेशमेंट रूम से वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि एक लड़का जंप करता है रेल ट्रैक पे दूसरी साइड जाने के लिए, और वहाँ से एक इंजन भी पास हो रहा होता है। तो वो वुमेन जो होती है वो इतनी डर जाती है उस बच्चे को देखकर कि कहीं इसे कुछ हो न जाए। उसने अरुण का हाथ जो था वो बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया कि उसकी फिंगर्स जो थी वो अरुण को चुभ रही थी। अब वो बॉय जो है वो अपने अदर साइड पे पहुंच गया और उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ पे अरुण ने उसे कंफर्ट करने की कोशिश की कि वो ठीक है, तो वुमेन ने भी स्माइल किया और अपनी ग्रिप को लूज़ किया। अब वो दोनों जो हैं उस जगह पे आ गए जहाँ पे उनकी सूटकेस रखी हुई थी। अरुण जो था इतनी देर में क्या देखता है कि उसका जो क्लास फेलो सतीश है वो भी वहाँ पे आ जाता है अपनी मदर के साथ में। अब सतीश और अरुण जैसा कि क्लास फेलो होते हैं तो वो सतीश जो है कि उससे कहता है, इंट्रोड्यूस कराता है अपनी मदर से कि मामा ये अरुण है, मेरे साथ पढ़ता है, इस तरीके से। और उसकी जो मदर थी सतीश की वो बहुत ही मतलब ऐसी औरत थी कि एकदम से स्टर्न लुकिंग वाली चश्मे पहने हुए थे। और उसने अरुण की मदर को देखा और उसने कुछ भी नहीं कहा, उसको लगा कि वो शायद अरुण की मदर है इसलिए। उसके बाद में सतीश की मदर जो थी वो बहुत सारी बातें करती है और वो साथ ही साथ में ये भी कहती है कि ये बहुत परेशानी का काम है कि मिडनाइट तक हम ट्रेन का वेट करेंगे और सच में ये इससे बच्चे परेशान हो जाते हैं। और उसको बहुत सारी कंप्लेन भी रहती हैं कि जैसे बच्चे अकेले जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए सेफ़ नहीं है, स्ट्रेंजर्स जो हैं वो घूमते रहते हैं, उनसे उनको ख़तरा भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो अरुण है वो खुश हो जाता है इस चीज़ को देख कर कि मतलब वो अकेला ट्रैवल कर सकता है। उस वुमेन को भी, उस स्ट्रेंज वुमेन को भी लगता है, वो भी कहती है अरुण अकेला ट्रैवल कर सकता है, इसके साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सतीश की मदर फिर भी एडवाइस देती रहती है कि अरुण को केयरफुल रहना चाहिए स्ट्रेंजर्स से, उसको अकेले इस तरीके से जब वो ट्रैवल करता है। और अरुण इस टोन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता जब सतीश की मदर ये सब कुछ कहती है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बोल रही थी। अरुण ने उस स्ट्रेंजर वुमेन को देखा जो उसको ये सब कुछ स्नैक्स वगैरह दिए थे, और उसने ये वापस रिटर्न में सतीश की मदर को ये बोला कि मुझे तो स्ट्रेंजर्स पसंद हैं। सतीश की मदर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो फिर से वही वार्निंग को वापस से रिपीट करती है और उसकी तरफ गुस्से से देखती है कि तुम्हें स्ट्रेंज लोगों से दूर रहना चाहिए, तुम बच्चे हो। इतने में जो अरुण था वो उस स्ट्रेंज वुमेन के और पास चला गया। इतने में ही ट्रेन आ जाती है और सतीश और अरुण अब यहाँ पे अपने कंपार्टमेंट में जाने की तैयारी करते हैं। सतीश की जो मदर है वो उसको कुछ फ्रूट, चॉकलेट, क्रिकेट बैट जो वो साथ में लेकर आई थी वो सब कुछ देती है, क्योंकि अब उन्हें वहाँ से जाना है। और अगेन वही सारी चीज़ें रिपीट करने लग जाती है कि तुम्हें स्ट्रेंजर्स से दूर रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए उनसे, तुम अकेले ट्रैवल करते हो तो अपना ख्याल रखा करो, अपनी मतलब अपना सर विंडोज से बाहर मत निकाला करो, ऐसी वैसी चीज़ें मत खाया करो रास्ते से लेकर, जो टिपिकल मदर्स जो देती हैं एडवाइस उसी तरीके से। अब अरुण को और भी नफरत हो गई है कि मतलब ये क्या बात पे वही सारी चीज़ें अगेन अगेन रिपीट कर रही है। तो अरुण जो है अब अपनी जो स्ट्रेंजर वुमेन जो होती है उसको गुड बाय करता है, और जो वुमेन है स्ट्रेंज वुमेन तो वो वहाँ पे खड़ी रहती है चुपचाप, वो कुछ भी नहीं कहती है, बस वो थोड़ा उदास लगती है। अरुण उसका हाथ पकड़ता है और स्माइल करता है, उसको किस भी करता है उसके चिक्स पे। और उसके बाद में जैसे ही ट्रेन जो है स्लोली मूव करती है तो सतीश जो है वो अपनी मदर को गुड बाय करता है और अरुण भी करता है। और उससे जो स्ट्रेंज वुमेन होती है उसको अरुण मदर कहता है, तो उस स्ट्रेंज वुमेन को बहुत अच्छा लगता है। और अरुण को भी ये समझ में नहीं आता कि उसको ऐसी फीलिंग कैसे आ गई कि वो मेरी मदर है, मतलब बहुत अच्छा कनेक्शन वो उसके साथ में फील कर रहा था।
और अरुण वहाँ पे ट्रेन में बैठे हुए उस स्ट्रेंज वुमन को देख रहा था कंटिन्यू, जब तक कि वो क्राउड में खो नहीं गई, या फिर आप ये कह सकते हो ट्रेन आगे चली गई तो वो धुंधली ना पड़ गई कि उसको दिखना बंद नहीं हो गई, तब तक वो उसकी तरफ देखता रहा। सो इट इज़ ऑल अबाउट